दिल्ली में त्योहारों से पहले टेरर की एंट्री, कई इलाकों में आतंकी खतरे का अलर्ट, आतंकियों के निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, पूरे शहर में चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में त्योहारों से पहले आतंकी खतरे का अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे की तलाशी में जुट गई हैं। बाइक पर गश्त करती पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है। रेलवे स्टेशन और बस डिपो जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच चल रही है। संदिग्ध नजर आ रही कारों को भी तलाशा जा रहा है। दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पर इस वक्त में अक्षरधाम मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पर हर आने जाने वाहन की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस के कर्मी यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। कई सारे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं और ऐसे में अक्षरधाम मंदिर हमेशा से ही ये कहा जाए कि टारगेट पर रहता है। इसको लेकर आप देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार शाम को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कम से कम एक दर्जन लोकेशंस पर रेड की। सुरक्षा एजेंसियों से अलर्ट मिला था कि दिल्ली में कुछ आतंकी एंट्री कर चुके हैं और 370 हटाए जाने के विरोध में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस जानकारी के बाद स्पेशल सेल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर समेत जामिया और पहाड़गंज में कई जगहों पर बीती रात 8 से 9 बजे के बीच रेड की और कुछ लोगों से पूछताछ की। दिल्ली फेस्टिवल को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट है और तमाम जो हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स वो हमने लिए हुए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तमाम जो हमारे पास इनपुट है उस पर हम काम कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त दिल्ली में रामलीलाओं का दौर चल रहा है और दिवाली भी आने वाली है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया। पहले भी दिल्ली में आतंकी साजिश का खुलासा होता रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद फिर से दिल्ली पर आतंकी डर मंडरा रहा है।